हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमरानी बांध अब धरातल पर जल्द ही उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जमरानी बांध परियोजना की सारी दिक्कतें दूर होने के साथ ही टेंडर भी आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जमरानी बांध का जल्द शिलान्यास करने के लिए आग्रह किया है। साथ ही राज्य सरकार ने भी जमरानी बांध को लेकर इस वर्ष के बजट में प्रावधान किया है। वहीं जमरानी बांध का टेंडर भी जारी हो चुका है, अब जल्दी धरातल पर काम भी शुरू हो जाएगा। जमरानी बांध का पहले ही सत्र में मामला उठाया और तब से लेकर आज तक इसको मंजिल तक पहुंचाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, पेयजल मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी बात को, हमारी जनता की बात को जो मैंने उठाई थी, एक एक बिंदुवार उसको आगे तक लिया। पहले तो कि यथाशीघ्र जमरानी बांध की शुरुआत कर दें, शिलान्यास हो भी सकता है, लेकिन आचार संहिता से पहले हो या बाद में हो, हमको तो काम करने से मतलब है। जिसकी लोग तरह तरह की शंकाएं पैदा करते थे, जनता में अफवाह फैलाते थे, कभी नहीं बन सकता जमरानी कहते थे, मैंने आग्रह किया है, मैं मिला भी हूँ प्रधानमंत्री जी से और उसको कोशिश होगी कि शिलान्यास इसका जल्दी हो जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश में हो रही राजनीतिक उठापटक को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस इस समय देश में अस्तांचल की तरफ है, उसका सूरज डूब रहा है, लिहाजा कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ सी मची हुई है, जिसके तहत कांग्रेस नेता भागकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस विधायक भाजपा को वोट दे रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि जल्दी हिमाचल में भी सुखद परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस इस समय पश्चिमांचल की ओर है, यानी कि सूरज डूब रहा है उनका, अस्तांचल की ओर है, ठीक है ना, पूरब में उदय, पश्चिम में अस्त, तो इसलिए उधर को जा रही है, तो अस्तांचल में है। तो मैं समझता हूँ कि यही नहीं, देश के सारी खलबलाहट है, घबराहट है, कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं, भगदड़ मची हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कोई सुखद परिणाम हिमाचल में भी आ सकते हैं। सरकार बनने जा रही भाजपा? नहीं, मेरा कहना उचित नहीं है। जैसा ट्रेंड आया है कि रूलिंग पार्टी के इतनी बड़ी संख्या में माननीय विधायक गण भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, इसका मतलब विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। राम मंदिर आपने देखा, कायाकल्प हो गया, कभी सोचा भी नहीं होगा। धारा 370 लोग यकीन ही नहीं करते हैं कि हो गई होगी। आज वहाँ विकास की नदियाँ बह रही हैं, आपने देखा बनारस, जिसने देखा होगा आज वहाँ क्या स्वर्ग बन गया है, किस तरह से बन गया, महाकाल का मंदिर हो गया है। तो हम संस्कृति में भी आगे जा रहे हैं और विज्ञान में भी आगे जा रहे हैं। आपने देख लिया है किस तरह से आदित्य L1 आज सूर्य भगवान के चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा पे हम साउथ पोल पर चले गए हैं, कहाँ कम है आज।